स्वागत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ढेर सारे बैरल को सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया और उससे बनाया हम लोगों ने काउ बान, और उस काउ बान में एक काउ ला के रखा क्योंकि उतने पैसे बचे थे, तो उतने ही पैसे में हम लोगों ने एक काउ लेकर आके रख दिया। अभी तक तीन लोग के लिए घर बन चुका है, चिकन कुक बन चुका है, चिकन के लिए पिग के लिए बान बन चुका है और काउ के लिए बान बन चुका है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं है। आज भी हम टेंट पे सो रहे, तो आज हम खुद के लिए एक घर बनाने वाले जो कि मैं खुद को गिफ्ट करने वाला। सो लेट्स गेट इनटू द गेम प्ले। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके अपने रैंच में। मैं क्या बोल रहा था अभी तक इंट्रो में कि ये देखो ये एक बान बन चुका है जो कि पिक के लिए बान बन चुका है। उसके अलावा हम लोग ने चिकन के लिए चिकन कुक भी बना चुके हैं, हालांकि अभी उतना फिनिश वर्क नहीं हुआ है मेरे एरिया में, काफी कम छोटे एरिया में बना रहा हूं, लेकिन इसको जब फाइनल वर्जन आएगा तो उसमें मैं बहुत प्रिसाइजली एक एक जगह पे चीजों को रखने वाला हूं और काफी स्टाइलिश करने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये जो घास वाला एरिया ना, इतना घास नहीं रखेंगे, थोड़ा प्लेटफॉर्म बेस करने वाले और एक प्रॉपर वे करेंगे अपने एक एक जगह पे जाने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो ये पिक का बान है, पिक सारे के सारे अंदर फंस चुके थे। दो पिक के बच्चे हुए थे जो मैंने ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में बता चुका हूं, एक पिक का बच्चा ये है और एक पिक का बच्चा ये है, तो अभी दो ही है और इसकी जो मॉम है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो कुछ दिन के अंदर ये तीन पिक्स के बच्चे और देने वाले। तो भाई ये ग्रोथ बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, बस इनका खाना का मेरे को ध्यान रखना है। और चिकन कुक में अभी तक पता नहीं क्यों दो ही चिकन है, इससे ज्यादा हुए नहीं, हालांकि अंडे आ रहे हैं, मैं फटाफट से उठा के भेज दे रहा हूं। और ये है हमारी गाय जो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में लाया, ये थोड़ा सा मैंने कस्टमाइजेशन बनाने का ट्राई किया, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है जो मेरे को समझ में आई है, जिसको मैं आज फिक्स करने वाला हूँ, ट्राई करूंगा कि इसको जल्द से जल्द फिक्स कर दूं। तो पहली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये जो फ्रेम दिख रहा है, ये फ्रेम ऐसा नहीं लगेगा, फ्रेम बेसिकली ऐसा लगेगा, एक्चुअल में क्या है ना, ऊपर की छत बन पाएगी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। वैसे बनाया तो था भाई बहुत मेहनत से, लेकिन ठीक है, ये अभी ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आरएनडी करना पड़ेगा तब जाके वो प्रॉपरली बन पाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट टाइम बना तो दिया, लेकिन अब इसको तोड़ना पड़ रहा है, बस यही एक अपटित घटना है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ चीजें मैं फटाफट से ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐड करता हूँ ये फ्रेम को। अब फ्रेम मेरे को ऐसे ही लगाना पड़ेगा और इसमें गेट्स आएंगे। अब गेट्स क्यों आएंगे, क्योंकि गाय प्रोबेबली क्या कर सकते, एक मिनट ये लग क्यों नहीं रहा, ये दो में जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो मैं बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा अंदर साइड हो गया है इस कारण से। तो देखो ये दोनों बाहर है तो ये तो आराम से लग गया, बट ये अंदर है तो ये नहीं लग रहे। वैसे तो मेरे को है ना गाय को शिफ्ट करना पड़ेगा फिर जाके ये बन पाएगा, यार ये तो फिर मुश्किल ऐसा बन पाए। देखो ये ऐसा बन गया, और यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे ये डोर है और डोर्स को मैं ऐड कर दूंगा सबसे बेस्ट। अब डोर के ऐड होने से क्या होगा, अब जैसे कोई भी गाय का मेरे को देखना तो ऐसे ओपन करके देख सकते हैं। वैसे मैंने लास्ट रेंच में कर चुका हूँ ये प्रोसेस पूरा का पूरा, और इस बार भी यही कुछ प्रोसेस करूंगा, क्योंकि बहुत इजी होता है और काफी तेजी से अर्निंग भी करते हो। हालांकि इस बार मैं डबल फ्लोरिंग नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर जगह का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इसको लंबा बनाने वाला हूँ फिलहाल के लिए, अभी नहीं आगे के लिए। तो यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलो अब इजीली सामने वाला हिस्सा भी लग जाएगा। और मैं ये वाला हिस्सा क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग लगती है तो इसी कारण से। अब इसके लिए चाहिए मेरे को थोड़े से प्लैंक्स, और मेरे पास प्लैंक्स की बड़ी कमी हो चुकी है, एक और दो तीन, हाँ प्लैंक्स बहुत ही कम है यार, तीन में तो मुश्किल है कुछ बनेगा, बहुत मुश्किल है। ये बन जाएगा लेकिन बाकी चीजें भी करनी पड़ेगी, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े से फटाफट से प्लैंक कट कर लेते, थोड़े से प्लैंक्स नहीं वुड कट कर लेते। एक काम करते इसको उठा के यहाँ रख देते, यहाँ पे बहुत सारे वुड दिख रहे मेरे को, तो फटाफट से मैं वुड्स को कट कर लेता हूँ और इनको लगा देता हूँ। और क्योंकि अपने को ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा रेडी कर लेते, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है ना, गाय वाला हिस्से को इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उस वाले एरिया को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके मैं ऊपर पूरा व्यवस्थित कर सकता हूँ। और हाँ मेरे को अभी ऑयल भी जाके चेक करना है कितना ऑयल जनरेट हो चुका, तो उसको भी सेल आउट करते और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कहाँ पे अपने को अपना घर लगाना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, जो मेरा टेंट वाला एरिया है ना उसके जस्ट साइड में ही लगाने का सोच रहा हूँ। और तुम लोग बोले कि घर क्यों इतनी जल्दी बना रहा है, एक्चुअल में घर में एक अच्छी चीज क्या होती है, वहां पे आप चीज बना सकते हो क्योंकि वहां पे गैस रहता है। तो मेरे को सिर्फ बर्तन लेकर आना और मेरा काम हो जाएगा, मेरी चीज बनना स्टार्ट हो जाएगी और मेरे को लाना पड़ेगा ब्लू मोल्ड चीज, इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो समझ रहा हूँ इस कारण से मैं घर फट से फट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ अच्छे से अगर ऑयल्स बिक जाते हैं अच्छे खासे प्राइस में और अच्छे खासे इकट्ठा हो जाता है तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। मैं फटाफट से फिर प्लैंक खरीद के लाऊंगा और फटाफट से घर को रेडी करेंगे। प्लैंक से ज्यादा कॉन्क्रीट की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्क्रीट और अपने को मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज के लिए जरूरत पड़ती है। We'll be right back.
ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अपने जितने प्लान कटने थे उतने मैंने काट दिए, जितने में अपना थोड़ा बहुत ये जो कस्टमाइज बान है थोड़ा सा और रेडी हो जाएगा। अभी काम करते करते ये जो तेल है ना पूरा का पूरा खत्म हो चुका था, तो मैंने जितना हुआ उतना कर दिया, बट जितना काम चाहिए था उतना मैंने कर दिया। पता है यहाँ पे जितने प्लैंक से मैंने बहुत सारे कट कर दिया, तो मैं क्या सोच रहा हूँ थोड़े से प्लैंक फटाफट से ले जाता हूँ और मेरे को एक फीडर बनाना है, फीडर को रेडी करना है। अब क्यों करना मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं उस दर से जो गाय है उसको हटा के मैं इस साइड शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ, और क्यों शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस साइड अभी वो जो दिख रहा है अपन को एक फ्रेम वो लग नहीं रहा है, तो उसको लगाने के लिए मेरे को गाय को वहाँ से हटाना पड़ेगा और इस वाले एरिया में लगाना पड़ेगा। और इस वाले एरिया पे लगाने से क्या प्रॉफिट होगा कि इस साइड का तो पूरा रेडी हो चुका है, तो इधर का लोड नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़े से प्लैंक रख देता हूँ। तो इस साइड का रेडी हो गया, कुछ नहीं करना है, आप खाना पानी देना है, गाय को इधर कर दूंगा और उधर की चीज को रिपेयर करूंगा फटाफट से। एंड ये वाला एरिया लगभग रेडी हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ खाना थोड़ा सा प्रोवाइड कर देता हूँ उसको फटाफट से। काम करता हूँ, खाना दे देता हूँ और पानी दे देता हूँ, ये दो चीज दे दे के और गाय को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद अपन काम करते उस साइड वाले पे, क्योंकि भाई काम तो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, बट आज मैं कैसे भी करके उसको कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। अरे सुअर बाहर मत निकल, बाहर मत निकल। ऑल राइट, तो यहाँ पर पानी जितना है मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, इतने में तो उसका आज का दिन तो निकल जाएगा और मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ, पानी इसमें डाल देता हूँ। चलो इधर का रेडी हो चुका है, अब मेरे को सिर्फ सुअर को पानी देना है और अपना जो बिल्डिंग वाला काम है उसको भी कंप्लीट करता हूँ और फिर देखते हैं कि कहाँ पे अपन इसको, एक मिनट इधर लगा देता हूँ। ओके नो मोर वाटर, तो मेरे को वाटर लेने जाना पड़ेगा। गाइस रुक जाओ, अभी इनके इधर पानी का स्टेटस क्या है, इनका पानी का स्टेटस क्या है, इसका पानी का स्टेटस क्या है भाई एक बार बता दो। ठीक है इनके पास पानी अभी तो ठीक ठाक है, तो अभी जाके थोड़ी देर से मैं ड्रम ले आऊंगा पानी का। वैसे तो मेरे को एक वो भी बनाना है यार, विंडमिल बनाना है जिससे कि इनको एटलीस्ट पानी मिल पाए। तो फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ इस गाय को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। आजा भाई इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और फिर इधर वाले पार्ट पे काम करते हैं, क्योंकि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आजा मेरी गाय, फटाफट से आजा, फटाफट से आजा, फटाफट से आजा, नया घर है तेरा। हाँ तेरे को शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन समझा कर, काम भी बहुत सारे हैं मेरे, इसी कारण से मैं कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता मैं। और राइट, तो अभी अपने को प्लैंक और चाहिए होगे, तो फटाफट से थोड़े से और प्लैंक ले आते हैं और इसको पूरा रेडी करने का ट्राई करता हूँ फटाफट से। ये गेट वाला पार्ट मैं रेडी कर देता हूँ। कम ऑन, ये गलत खुल रहा है क्या? ठीक है बाहर साइड ही खुलनी चाहिए ना मेरे हिसाब से, तो बाहर साइड खुलेगा तो मैं आराम से काम करूँगा। ठीक है हाँ बाहर साइड ही खुले तो ज़्यादा बेटर है। राइट बाहर साइड ही खुलने दो, क्योंकि हमारा काम इजी हो जाएगा। अगर अंदर साइड खुलेगा तो शायद मैं अगर वो मिल्क करने वाली जो मशीन होती है ना वो खरीद के लाने वाला हो, तो उसको रखना तो साइड में ही है, तो इसी कारण से भाई चीज भी बनाना मेरे को। ऑलराइट, तो देखो यहाँ तक तो सही है, अब आती है कहानी यहाँ से। तो ये काम करते हैं अपन, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये नहीं लग रहा ना, मतलब इसको फिर तोड़ना पड़ेगा मेरे को। ओ कम ऑन, मैं ये तोड़ने का नहीं सोच रहा था, बट अब क्या करें, तोड़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। देखो ये रेडी हो गया खतरनाक तरीके से। चलो ये भी रेडी, ये भी रेडी, बस कुछ नहीं करना मेरे को, बस थोड़ा सा यहाँ पे है ना व्यवस्थित करना और कुछ नहीं, मेरा काम हो जाएगा। पहले गलती कर दिया मेरे को है ना, इस पे पहले फोकस कर लेना चाहिए था, पहले फ्रेम व्रेम पे। चलो ये देखो फ्रेम्स रेडी हो चुके, अब इसके ऊपर छज्जा में लगा देता हूँ फटाफट से, तो अपना छज्जा भी रेडी हो जाएगा फटाफट। कहा गया छज्जा, ये वॉल है, ये छज्जा, तो देखो एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एंड इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा और इधर लग जाएगा। गायों की सुरक्षा के लिए मैं सारी चीज़ बना रहा हूँ, एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मेरे को रिक्वायरमेंट होगा, एक मिनट इसको नहीं, अब मेरे को रिक्वायरमेंट होगा साइड के बाउंड्रीज का, तो फटाफट से मैं बाउंड्रीज लगा देता हूँ। बाउंड्री यस, फेंसेस लगा देते फटाफट से। ऑलराइट गाइस, फाइनली ब्लूप्रिंट इधर वाला भी रेडी हो चुका है, बस अब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, फटाफट से मैं फेंस का काम कंप्लीट करता हूँ और सारे गायों के लिए मैं व्यवस्था कर चुका हूँ। अरे इस साइड हो जा मेरे भाई। हाँ तो सारे गायों के लिए मैंने सारी चीज़ें व्यवस्था कर ली भाई, बहुत मेहनत लग रही है, बट कोई नहीं कोई नहीं, हम अपने गायों के लिए कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। तुमको नहीं पता भाई, ये जितनी अर्निंग प्रोवाइड कर सकते ना गाय, इतनी प्रोडक्शंस कोई भी, इवन जो पिग है वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और मेरे जो पिग के मीट्स है, यानी पिग का जो पोर्क मीट है वो रखा हुआ है अपने बर्गर वाले एरिया में, तो उसको भी सेल आउट करने जाना है, वहां पे पड़ा हुआ है। अगर प्राइस अच्छा मिलेगा तो मैं सेल कर दूंगा और मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ। जैसे ही अच्छा खासा सेल आएगा फटाफट से हम उसको सेल आउट कर देंगे। देखो ऑलमोस्ट मेरा चीजें रेडी हो चुकी है, बस यहाँ पे एक फेंस का काम बचा है, छत का काम थोड़ा सा और। भाई काफी अच्छा बन चुका है गाइस, बताओ तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये कैसा लग रहा है, मेरे को जरूर कमेंट करके बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। और हाँ एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, वी आर वेरी क्लोज टू 7K यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट से कर दो। मैं अपनी हैंक आर्मी की पावर देखना चाहता हूँ, इवन जो लोग मेरे को देख भी रहे, फर्स्ट टाइम देख रहे और तुमको ये गेम प्ले पसंद आता है, तो प्लीज यार फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली गेम्स आते हैं उसमें, रैंच भी है, आर्क भी है और माइंडक्राफ्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, तो बहुत सारे गेम मैंने ऐड कर दिया है,
तो आपको अगर एंटरटेनमेंट पसंद है, आपको ये सारी चीज पसंद है, गेम वेम देखना पसंद है, तो प्लीज चैनल को चेकआउट कर लेना। अच्छा लगता है तो भाई यू नो सब्सक्राइब ठोक के जाना, एकदम घंटों घंटों बैठना पड़ता है तब जाके एक वीडियो बनती है। एडिट का तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बननी की बता रहा हूँ, क्योंकि जो सिमुलेशन गेम्स होते हैं ना, इसमें एक्चुअल में प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी चीज करने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे को लग नहीं रहा कि ये तीनों के तीनों गेट बन पाएंगे, बट एनीवेज फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ना नहीं बन पाएंगे गाइस, तो मेरे को थोड़े से और प्लैंक लाने पड़ेंगे, बट अभी नहीं ला रहा मैं अभी। तो एक काम करता हूँ, मैं जितना भी बैरल से उसको सेल आउट करने जाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि वहां से थोड़ी सी अर्निंग जरूरी है। 728 ऐसे कुछ डॉलर बचे मेरे पास, कितने 732 बचे सिर्फ मेरे पास। तो चलो इधर का काम तो हो गया, और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, जो तेल का ये कुप्पी है ना, इसको लेके चलते, कुप्पी नहीं यार क्या बोलते इसको, जेरिकेन लेके चलते हैं, तेल भरते हैं। तेल एक्चुअल मेरे को जो ऑयल वाला एरिया ना वहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो इसी कारण से मेरे को जेरिकेन भर के रखना पड़ता है। और अभी मेरे को पानी के लिए भी जरूरत है। यार मैं इधर क्यों आ गया, ठीक है चलो कोई नहीं, आते आते मैं पानी वाला टैंकर ले आऊंगा, क्योंकि भाई मेरे पिक्स नहीं तो मर जाएंगे। चलो गाइस फटाफट से चलते, पहले तेल भरवाते हैं, उसके जाते ऑयल वाले एरिया में, ऑयल को पूरा का पूरा सेल आउट करने का ट्राई करते हैं, जितना ज़्यादा सेल हो जाए उतना बढ़िया। तो सारे के सारे अपन सेल करते हैं, उसके बाद पिक्स वाले एरिया में चलते हैं, उसके बाद बर्गर किंग में चलते हैं, जो भी मैंने वहाँ पे पॉर्क मीट रखा है उसको सेल आउट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। भाई पैसे कमाने का बहुत सारे जरिया मैंने कर लिया, और ठीक ठाक पैसे मेरे पास होना स्टार्ट हो चुके। मुश्किल से एक हफ्ता और ग्राइंड करूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मतलब इतने पैसे हो जाएंगे ना, मेरे को कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअल में। तो गाइस मैंने पूरा का पूरा तेल फिल कर लिया है, सीधे चलते हैं अब अपने बैरल वाले एरिया में, यानी अपने फ्यूल वाले एरिया में, यानी कि अपना जो ड्रिल वाला एरिया वहां पे चलते हैं, और जितने भी बैरल जनरेट हुए होंगे ऑयल के उन सबको सेल आउट करते हैं, और इस बार थोड़ा मैक्सिमम पैसा कमाने का ट्राई करते हैं। मैं ऑलरेडी 50-50 लीटर्स के दो तेल का केन भर चुका हूं, तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा अर्निंग हो सकता है, जितना मैंने लास्ट टाइम अर्न किया था उससे मेरे को लगता है ज़्यादा अर्न कर लूँगा इस बार, ज़्यादा ही कर सकता हूँ। चलो चलते। और एक नुकसान हो रहा है कि वहाँ पे जाके अगर मैं जैसे गाड़ी से उतरता हूँ ना, एक ग्लिच के कारण मैं सीधे सीधे कहीं और चले जाता हूँ। दो बार मैं भालू के पास जा चुका भाई, दो बार इतना गंदा ग्लिच हुआ इस गेम में कि क्या बोलूँ। बट एनीवेज मैं गाड़ी अब मैं यहीं रखने वाला हूँ, जिससे भाई अपन सिक्योर रहे। ओके आज परफेक्टली उतरा हूँ मैं भाई, परफेक्ट। तेल ख़त्म भी हो गया, अरे यार इसमें तेल कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है यार। चलो फिल कर देते हैं एंड इसको स्टार्ट कर देते हैं। भाई बहुत तेल जनरेट हुआ है, मैं बताता हूँ तुमको, देखो एक तेल ये हो चुका है, ठीक है मैं बताता हूँ, बहुत तेल जनरेट हुआ है। ये देखो भाई ये दो कैन भर चुका है, बहुत एक्चुअल में काफ़ी तेल जनरेट हो चुका हो, ये तीन भर चुका है, मेरे हिसाब से चार जाएगा, चार या पाँच जाएगा, पता नहीं कितना जाएगा। ये चार भर चुका है, करेक्ट, यस चार भर चुका भाई साहब। ये पाँच भर चुका है, परफेक्ट, पाँच भर चुका है, फाइव, और ये छः भर चुका है, करेक्ट है ना, छः भर चुका है ना, यस छः भर चुका है। तो समझ लो कितना हो चुका है, 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर में यही कमा चुका हूँ। अभी दो टैंकर और बचे और ये 4,000 मेरी कमाई हो चुकी है गाइस अभी, और अभी भी ऑयल बचा हुआ है। ओ भाई साहब, ऑलराइट तो ये खाली हो चुका है, एक मिनट एक काम करता हूँ, इसको ले जाके भर दूंगा। यार ये तो एंडलेस कमाई है भाई, ऑलराइट तो पूरा फुल हो चुका है, यस फुल हो चुका है। यार थोड़ा सा और तेल लाना पड़ेगा मेरे को, एक काम करता हूँ मैं ये दोनों केन को भी ले जाऊंगा, बट अभी रख देता हूँ, अभी ये केन्स को सेल आउट करता हूँ। गाइस यार एक काम करता हूँ ना, गाड़ी में इधर ही ले आता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ग्लिच ना हो, अब उसी कारण से मैं गाड़ी नहीं ला रहा। अब ग्लिच होगा तो भाई पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। यार अच्छा काम होता है भाई, ऑफलाइन भी काम होता है इसमें। प्लीज प्लीज ग्लिच नहीं करना, नहीं हुआ, ओ बच गया। यार मैं इसको लेके क्यों घूम रहा हूँ, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं। चलो कोई नहीं, जब पेट्रोल लेने जाएंगे तब इसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। फटाफट से इसको सेल आउट करते हैं। गाइस मैं आराम से अपना घर बना सकता हूँ, आराम से, मतलब इतना इतना पैसा हो जाएगा ना मेरे पास अभी। ओके इसको यहाँ लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। कितना, छः आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, चार चार आठ है मेरे पास, सॉरी आठ आ जाना चाहिए। लास्ट टाइम भाई वीडियो मेरे साथ स्कैम हो गया, तुमको पता है कि नहीं पता है, तुमने देखा होगा वीडियो तो पता ही होगा तुम लोग को। भाई मैं चार ऑर्डर किया था और मिला मेरे को कितना, कितना मिला था, दो दिया था गेम वालों ने, भाई उधर मेरा ₹1,000 का नुकसान हो गया, $1,000 का नुकसान, रुपये बोल रहा, $1,000 का नुकसान हो गया भाई। यार ये गेम भी स्कैम करते हैं, मुझे नहीं पता था भाई, ये तो बहुत सफिस्टिकेटेड व्हाइट कलर वाली जो जॉब होती है ना उस टाइप की लगती है मेरे को तो। एक तो ये गेम वैसे इसकी बहुत जल्दी, एकदम बहुत जल्दी स्टेबल वर्जन आने वाला है, बहुत ज्यादा फीडबैक ले चुके हैं ऑलरेडी काफी लोगों से, काफी क्रिएटर से ले चुके हैं। गाइस ये है लगभग $4,000 का गल्ला, $4,000 का गल्ला, एक दो तीन चार, हाँ $4,000 का गल्ला गाइस, $4,000, व्हाट अ अर्निंग गाइस। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है भाई बैरल्स और परचेस करने पड़ेंगे, बहुत मजा आ गया भाई ये गेम में। जो इंटरेस्ट जगाया ना इन्होंने ये ऑयल वाला डाल के, जो ये ड्रिल डाल के, भाई बहुत मजा आ गया। मतलब मैं 1 मिलियन तो मजाक चल रहा हूँ भाई, ऐसा लगेगा तुमको,
एक मिलियन तो हलवे में हो जाएगा, बस तेल खरीदना और डालना और उसे डबल मुनाफा कमा के ले जाना है। कम ऑन, ये प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। चलो गाइस इसको फटाफट से सेल करते हैं और सेल करके देखते हैं भाई बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा। देखो $4,000 भाई, $701 है मेरे पास और $4,000। वैसे इसमें दिखता है, दिख रहा है तुमको? हाँ, अब प्रॉपरली दिख रहा होगा तुमको। $4,000, $701 मेरे पास रखा है, और अगर मैं सेल करता हूं तो वी हैव $4,701। ओ भाई साहब कितना पैसा, और अभी तो ऑयल और निकालना है मेरे को भाई साहब, और निकालना है और ज्यादा। सारे के सारे मैं सेल कर देता हूं और उसके जो पेट्रोल की कमी है उसको भी पूर्ति कर देते और कुछ पेट्रोल यहाँ पे रख लेते। यार अब मेरे को ऐसा लगने लगा है ना, ऑयल रिग जो मैंने लगाई इतनी दूर लगाई ना, काश ये घर के पास होता तो शायद इससे दुगनी स्पीड से मैं पैसा कमाता। ये चीज अगर पास में रहे तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में आके चेक कर सकता हूँ, बट ठीक है कुछ समय के अंदर है ना वो अपडेट आ जाएगा ना, तो घर के साइड में एक जगह मैंने बताई थी ना वहां पे भी अपन ऑयल रिग लगा सकते हैं। और हाँ मेरे को पानी का एक वो लेना था, तो सोच रहा हूँ यहीं पे मिल जाएगा तो ले लेते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर जनरल स्टोर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पानी वाला है, वाटर टैंक एक रख लेता हूँ मैं, यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल। तो ग्लिच नहीं होना प्लीज, ग्लिच नहीं होना प्लीज, ग्लिच नहीं होना प्लीज। ओह नहीं हुआ, बच गया भाई। चलो एक टंकी और भर गई। ओ भाई बहुत तेल है यार इसके अंदर तो, इसमें क्या तेल भरा हुआ है पहले से? ओ, ओ इसलिए ऑन ऑफ दिखा रहा था वो। ओ कम ऑन, अबे बहुत तेल है इसके अंदर भाई। चलो ये भी ट्रांसफर हो गया। $10,000 हो सकता है आज के आज, पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही मेरे को। कमॉन इतना पैसा मजा आ गया। अरे मेरे जानवर मर जाएंगे, पानी नहीं उनके पास, और भर दिया। ओ भाई साहब, गाइस क्या बोलते हो, ये फिर से $4,000 हो गया, तुमको पता है, तो टोटल $8,000 हो जाएगा। वाओ यार, अब मेरे को नहीं लग रहा ज्यादा ऑयल होगा, लास्ट में एक बार चेक करता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा ज्यादा होगा, ये लास्ट ही होगा। बट अगेन बहुत बड़ा मुनाफा यार ये तो। अबे बहुत पैसे है गाइस, बहुत ज्यादा पैसे है, बहुत बहुत ही ज्यादा पैसे भाई। दिस इज समथिंग क्रेजी जो मैंने आज तक रेंच में नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम भाई। ये ऑयल वाले ने जो पैसा दिखा रहा है ना भाई, मतलब लालच से भरपूर हो चुका हूँ मैं तो, एकदम लालच से भरपूर, समझ रहे हो। या मेरे को और बैरल्स लेने पड़ेंगे, कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इतने बैरल्स में नहीं होने वाला है, और मेरे को बड़ा सा ट्रॉलर लेना पड़ेगा भाई, एक बार में पूरा दबा देंगे, इतना पैसा ले लेंगे अपन का, इतना पैसा कमा लेंगे अपन को। बांध पे जाना है और अपना घर भी बनाना है यार, घर बनाने से अच्छा तो यही लग रहा मेरे को यार, इतना सारा ऑयल। हाँ हाँ चलो गाइस फटाफट से इसको भी सेल करके आते हैं। और भी ऑयल है समझ लो, इतना ऑयल है भाई, ये क्रेजी पैसे है भाई। भाई मैं इधर ही रख रहा हूँ इस गाड़ी को, मैं अब टंकी नहीं उतार रहा भाई, फटाफट से अपन सेल आउट करते हैं फटाफट से। चलो चलो चलो, पैसे ही पैसे। ऑलराइट गाइस, आप रेडी हो 8,000 देखने के लिए? तो सेल करते इसको 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 भाई, $8,671 भाई। दिल गदगद हो गया देख के भाई, दिल गदगद हो गया मेरा भाई, मजाक नहीं कर रहा, दिल गदगद हो गया। और आज शायद तीसरा चौथा एपिसोड वो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इतना पैसा हो रहा है इसमें। शेक बन गया मैं, ऐसा लग रहा है शेक बन जाता हूँ मैं फटाफट से। चलो ठीक है, अभी घर पे भी काम करना है, तो अभी मैं जितना हो सकता है उतना ऑयल निकाल के मैं रख देता हूँ, और थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डाल देता हूँ, और दैट्स इट, अपना काम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करेंगे। कम ऑन भाई कितना ऑयल है भाई, मैं पागल हो जाऊंगा इसको देख देख के, मेरे को ऐसा लगने लगा है भाई साहब। ये भी फुल हो गया भाई, कितना है ऑयल, ऑयल ही ऑयल है भाई, नहीं होगा भाई, ये खत्म नहीं होगा, अलग ही समझ में आ रहा भाई। तीसरे टंकी भर चुका हूँ भाई साहब। ओ भाई साहब, इसमें है तेल आया, यस 30, ओके मेरे हिसाब से अब शायद खत्म हो चुका है। तो अपना इतना तेल और भरा है, तो इतने में अपना, ओ भाई भाई साहब, 9,000, $10,000 हो जाएगा एक दिन की कमाई, $10,000। दिस इज क्रेजी भाई, बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा है। चलो गाइस इसको फटाफट से रखते हैं, एंड बाकी चीज़ें मैं रख लेता हूँ, क्योंकि बस आके अपने को ये टैंकर्स रखने पड़ेंगे, और इसमें कितना तेल बचा है, तेल ज़्यादा नहीं है तो मेरे को तेल लाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ तेल भी रख ही लेते एक साइड में, और सारी चीज़ें जमाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भैया अब अपने को फटाफट से काम करना है, और यू नो उधर पानी की व्यवस्था भी करनी, क्योंकि पानी नहीं है भाई मेरे बांध में, बिल्कुल भी पानी नहीं है। मेरे सारे के सारे जितने भी जानवर हो सारे के सारे मर जाएंगे, और मैं ये क्यों लेके घूम रहा हूँ मुझे पता नहीं, ये चिकन वाला चिकन बोल रहा है, अंडे वाले लेके क्यों घूम रहा हूँ अभी तक समझ नहीं आया। ऑलराइट गाइस, फाइनली अब सेल करते हैं आखिरी के कुछ बैरल्स, और भाई पैसे देख देख के तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही हो रहा है। बास्केट नहीं बेचना, बस इसको बेचना है, इसको बेचना है, इसको बेचना है गाइस। $10,000 इन अ सिंगल डे, सिंगल डे इनिशियल फेस में बहुत बड़ी बात है, बट फाइनली हमारे पास $10,000 हो चुके हैं। $10,000 भाई, मैं नंगा नहीं नाचूंगा ये बोलने वाला था, बट मैं नहीं नाचूंगा, फालतू मजाक नहीं मेरे साथ। चलो गाइस फटाफट से घर चलते हैं, गाइस फटाफट से अब घर चलते, क्योंकि भाई पानी की व्यवस्था करनी है, क्योंकि मेरे पास अभी पानी नहीं है, और पिग वाले बार में तो बिल्कुल भी नहीं है, और काओ तो एक ही है भाई, कितने काओ ला सकता हूँ मैं, काओ ही काओ ला सकता हूँ। फिलहाल तो मैं काम करते ड्रम्स में सारे के सारे इधर रख देता हूँ,
और जितना ऑयल अभी है मेरे पास, तो सोच रहा हूँ सारे के सारे मैं ऑयल डाल देता हूँ। ऑयल मतलब अपना पेट्रोल जितना बचा है ना, ये सारे का सारा मैं डाल देता हूँ और बैरल्स को मैं इधर खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे को बहुत सारे बैरल्स और परचेस करने पड़ेंगे, और इतने जो बैरल्स हैं नेक्स्ट टाइम के लिए वो यूज़ हो जाएंगे, आराम से यूज़ हो जाएंगे। तो फटाफट से इनको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो लास्ट वाला जो बैरल है इसको भी रख देते हैं, एंड थोड़ा सा जो तेल बचा है ना, थोड़ा सा बचा होगा आई थिंक सो, कौन सा, हाँ थोड़ा सा बचा है, तो इसको मैं फुल कर देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ फुल करके रख देते हैं और ये चलता रहेगा कम से कम। इसका काम चलने दो, अपन चलते सीधे अब घर की ओर, क्योंकि पानी देना है और पेट्रोल मैं सुबह भर के इधर लाके डाल दूंगा। एक केन तो मैं रख दूंगा सोच रहा हूँ, एक केन आराम से रख देते, और अगर अपने को कोई रिक्वायरमेंट होगा तो ये केन से तुरंत तुरंत फिल कर देंगे और एटलीस्ट अपना काम चलता रहे। भाई तेल के लिए भी मेरे को काफी चीजें चाहिए यार, यहाँ पे हल्का सा भी कंस्ट्रक्शन हो पाता ना तो शायद मैं सोच रहा था छोटा सा घर टाइप को बना देता है, उसमें अपन ऑयलिंग का प्रोसेस कर देते, ऑयलिंग के ड्रम ड्रम रख देते हैं, बट ठीक है अभी गेम में वैसा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ रेंज के अंदर ही कुछ कर सकते। तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट इसका जो डे होगा उसमें हम घर को कैसे भी करके रेडी करेंगे। एक परफेक्ट पोजीशन ढूंढने का सोच रहा हूँ कि कहाँ पे मैं लगा सकता हूँ उस घर को। और राइट, तो मैं आ चुका हूँ, पहले तो पानी देते नहीं तो मेरे सारे के सारे सुअर मर जाएंगे। और राइट, तो पानी का यहाँ पे रख देते हैं ड्रम, और पानी यहाँ पे रख देते हैं, ये वाला ड्रम बाहर कर देते हैं, इसको मैं सोच रहा हूँ भेज दूंगा। चलो अभी भर चुका, चलो भाई पानी वानी पियो तुम लोग, एंड इसको भी यही रख देता हूँ। चलो गाइस मैं सोता हूँ, सुबह उठता फिर घर को रेडी करते हैं। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है दोस्तों, अब अपन बनाने का स्टार्ट करने वाले हैं घर को। और घर को मैं सोच रहा हूँ ना, या तो इस फार्म के जस्ट साइड में कर दूँ या फिर मैं इस साइड कर दूँ, बट मेरे को पता नहीं कि यह वाला एरिया बहुत ही हैपनिंग लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इन जानवरों के बीच में अब अपना घर बना सकता हूँ, तो मैं एक घर यहाँ पे बनाने का सोच रहा हूँ। और घर में बहुत ही छोटा वाला, सबसे छोटा जो होता है ना वो बनाने का सोच रहा हूँ, लाइक ये बनाने का सोच। ये तो बहुत महंगा है, ये भी ये सस्ता है, ये सस्ता है। तो ये छोटा सा बनाऊंगा, बाद में जाकर मैं खुद का कस्टमाइजेशन करने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं एकदम छोटा सा घर बनाने का सोच रहा हूँ, एकदम छोटा सा मिनी सा घर। और इसमें क्या क्या रखने वाला है, देखो प्लैंक तो मेरे पास है, कॉन्क्रीट लाना पड़ेगा, मेटल लाना पड़ेगा, मेटल में ले आऊंगा, तो मेरे पास जितना मेटल है अभी वो सोच रहा हूँ मैं डाल देता हूँ, और एक छोटा सा घर अभी फिलहाल के लिए रेडी कर देता हूँ। अभी के टाइम में देखोगे तो मैं अभी जाता हूँ टेंट में सोने के लिए, तो मैं टेंट में नहीं सोऊंगा, अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई खुद का घर बना लेते हैं। $10,000 आ चुके भाई, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। और हाँ एक और चीज दिखाओ तुमको, मैं गाय का दूध भी निकाल सकता हूँ, बट खाने पानी की चीजें मैं एक बार प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद करता हूँ मैं। ओ ओ गाइस 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 गाइस, ओ ओ अबे फिर से बच्चे हो गए, 1 2 3, इस बार 3 हुए गाइस, पहले बार में 2 हुए थे। ओ 1 2 1 2 3 3 4 6 पिग्गू, और भाई 6 पिग्गू 7, और भाई बहुत बड़ा बांध बन जाएगा ये तो। ओ अब समय आ चुका है फीडर बनाने का, इनकी तादाद बहुत ही तगड़ी तरीके से बढ़ने वाली है। फिलहाल तो देखो मेटल मैंने डाल दिया है, और मैं प्लैंक का क्या सोच रहा हूँ ना, देखो मेरे पास इतना सारा अभी वुड रखा है, तो प्लैंक मैं सोच रहा हूँ खुद से ही कट करके मैं डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा पैसा मैं यहाँ बचा लेता हूँ, थोड़ी चिंदीगिरी करते हैं अपन। चलो यहाँ पे बहुत सारा इसमें तेल डला हुआ है, तो लोड नहीं है, बस इसको स्टार्ट करना है एंड फटाफट से लॉक को यहाँ पे रखना और इसको रेडी करना स्टार्ट करना। ट्रस्ट मी, जो ऑयल ने मेरे को पैसा दिया है ना, भाई शुक्रगुजार हूँ भाई, वो तारीफ करते हुए नहीं भूल, मतलब पीछे हट रहा भाई। ऑयल रिंग लगा के क्या फायदा हुआ है, मिलियन तो ऐसा भाई, तुम्हारा भाई ऐसा मिलियन करेगा ऐसा, मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था, हालांकि मैंने अभी किसी के कमेंट नहीं पढ़े, तो भाई सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑफिस के बाहर टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन ऐसा निकालो जिसमें सारे कमेंट में कर दूंगा। ऑलराइट, मेरे हिसाब से जितने मेरे को प्लैंक चाहिए तो उतने मैंने प्लैंक कट कर लिया, बट इन प्लैंक्स को ले जाने के लिए मैं अपनी बग्गी का यूज करूंगा भाई, हाथ से लेके घूमते फिरूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, एंड बग्गी के अंदर कुछ चीजें रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि यार चिकन के अंडे बहुत हो रहे भाई, चिकन के अंडे। ठीक है, मैं जब तक बच्चे नहीं हो जाते ना तब तक मैं वेट करता हूँ, जैसे बच्चे हो जाएंगे उसके बाद अपन कुछ अंडे और सेल आउट करेंगे। मैं अंडे इसलिए भी रखना चाहता हूँ क्योंकि आगे जाके मेरे को चीज़ प्रोडक्शन करना है, तो उसमें अंडे लगते हैं और अंडे डालते हैं तो कुछ अच्छा प्राइस मिलता है, इसी कारण से मैं अंडे को रखता हूँ। तो चलो देखते, मेरे हिसाब से 28 मैंने कर दिए क्या, मेरे हिसाब से 28 तो प्लैंक मैंने कट कर दिए। हालांकि मेरा भाई जो खाओ वाला बान है वो पूरा रेडी नहीं है, तुमको पता ही होगा, ब्लू प्रिंट में आधी रखी हुई, देखो वो ब्लू प्रिंट में है, तो उसको भी करना है। तो फिलहाल तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ये सारे प्लैंक्स मैं ये देख लेता हूँ। ऑलराइट, मेरे हिसाब से इतने में प्लैंक में हो जाएगा, बट मैं थोड़े से प्लैंक और इसलिए भी ले जा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को है ना जो ब्लूप्रिंट बचा हुआ है काऊ बान का, उसको भी रेडी कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, फटाफट से उसको भी रेडी कर देता, थोड़ा बहुत ही लग रहा है उसमें मटेरियल, फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं फिर लेने चलते कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट लेने से पहले अपने को पेट्रोल लेके जाना है क्योंकि जो ऑयल रिग है वो कंटिन्यूस चल रहा है, और उसको कंटिन्यूस चलने के लिए मेरे को कंटिन्यूस पेट्रोल डालना जरूरी है। अबे ऐसा बनाना पड़ेगा, ओ नहीं यार ये तो चुरूर चुरूर काम हो जाएगा भाई ये तो।
चलो एनीवेज ये हो गया, नीचे नहीं लगेगा ऊपर ही ऊपर यही लगेगा ऐसा। चलो फिर ठीक है, इसके लिए फिर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कॉन्क्रीट लेकर आना पड़ेगा क्या? प्रॉब्ली ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी यही लग रही मेरे को। चलो ये ऊपर का हो चुका है, ऊपर का मैं रेडी कर देता हूँ ये भी। ओके ये सारी जो चीज़ें दिख रही है ना इसको मेरे को सिर्फ इससे करनी है, ठीक है मैं कर देता हूँ। ये भी हो गया, वाओ सीढ़ियों का काम भी हो गया भाई जरा जरा से। मैं इधर का भी काम कर देते हैं एंड इधर का काम कर देते हैं। अच्छा फर्श के लिए मेरे को सिर्फ लगेगा, अरे यार मैं फंस जाऊंगा ऐसे तो। पहले ऊपर का काम करता हूँ फिर बाद में बाहर का काम करता हूँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं। और शायद ये भी हो जाएगा, यस मेरे को लग ही रहा था। चलो एनीवेज अंदर का पूरा काम निपटा देता हूँ पहले। एक इधर है, इसमें नहीं होगा, इधर भी लगेगा। ओके लग रहा है लग रहा है लग रहा है लग रहा है, मेरे को नहीं लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फटाफट से चलते ऊपर एंड इधर वाले पार्ट को भी रेडी कर देते हैं। ओके ये लगभग तो रेडी हो ही गया है, अब से बाहर का काम करना बचा है। लो बाहर का कर देता फटाफट से। ये लो 19 20, ये 21 और ये 22 और ये 23 हो गया, 22 और ये 23। और राइट तो गाइस इधर का तो मैंने रेडी कर दिया, मेरे को कॉन्क्रीट और मेटल लाना और ये अपना पूरा का पूरा घर रेडी हो जाएगा। मेटल उसको भी लेकर आना है एंड मेरे को ये रेडी कर देता हूँ, ये गेट्स रेडी कर देता हूँ, एक ये गेट एंड एक ये गेट, क्योंकि भाई आप काओ भी लेकर आना है। तो ये भी रेडी हो चुका है एंड ये भी रेडी हो चुका है एंड ये भी रेडी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट देखो सारी चीज़ें मैं रेडी कर चुका हूँ, सारी की सारी चीज़ें मैं रेडी कर चुका हूँ। तो एक काम करते हैं इसको यहाँ पर रख देते हैं। मैं थोड़ा सा मैं ना एक बार खाना देख लूँ, यहाँ पे खाना खत्म हो चुका है। भाई मुर्गियाँ क्या खाना खा रही है भाई, क्या तो खाना खा रही है, बहुत तगड़ा खाना खा रही है। ऑलराइट तो इधर भी खाना डाल देते हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली पिक वाले एरिया में भी शायद खाना खत्म हो चुका है क्योंकि लोग ज़्यादा हो चुके हैं। यस मुझे लग ही रहा था, अब खाना और लाना से अच्छा है बेटर मैं ऑटोमेटिक फार्म बना देता हूँ फटाफट से। एक इधर लगा देते हैं और एक मैं रख देता हूँ यहाँ पे। अरे आ जा भाई, ओ ओके तो एक इधर मैं रख देता हूँ। चलो गाइस ऑलराइट तो इतने में इनका खाना पानी होता रहेगा, पानी तो ये लोग कम पीते वैसे तो, हाँ पानी बहुत कम पीते, खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। बट एनीवेज अब ये वाली पिग फिर से प्रेग्नेंट होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, बट हो जाएगी मेरे हिसाब से। अब ये कैसे होता मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया आज तक, बच्चे माँ को कर देते मतलब कर देते हैं, अब क्या कर सकते हैं। मतलब मैं जाके थोड़ा सा काम की चीजें ले आता हूँ फटाफट से। तेल इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि अपने को ऑयल रिग में डालना, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और क्या लेने जाना है मेरे को, कंक्रीट लेने जाना है और लेने जाना है मेटल। तो फटाफट से कॉन्क्रीट और मेटल ले आते और अपने घर को रेडी करते हैं और इस एपिसोड को एंड अप करते हैं क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन चुकी है। चलो गाइस फटाफट से तेल भरे, चलो चालू करो भाई, बहुत तेल लगने वाला भाई। पैसे मेरा सिर्फ तेल में जा रहा है अभी फिलहाल मेरे को जितना समझ में। बट एनीवेज एक दिन में $10,000 करना भी एक बहुत बड़ी बात थी अभी टाइम पर रैंच में देखोगे तो, क्योंकि लास्ट टाइम अगर मैं रैंच की बात करूं जो पुराना रैंच था उसमें अगर आप 10,000 करने सोच रहे हो ना तो भाई बहुत टाइम लगता था, एक्चुअल में काफी टाइम लगता था। अरे यार इसका ये है ना, पुराने वाले जो रैंच में है ना पैसे कमाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, पिक्स को सेल कर करके करना पड़ता था। बट अभी के टाइम में ये वाला प्रोसेस काफी अच्छा करती है, मेरे को काफी पसंद आया। मैं पहले ही बोल चुका अभी भी बोल रहा हूँ, मैं घर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसमें चीज प्रोडक्शन कर सकते, उसमें गैस रखा हुआ है, इवन जो मीट बॉस होते हैं ना उसको सुखाने के लिए भी जगह है। अरे यार ये गाड़ी कितनी बकवास है यार। चलो एनीवेज हाँ मैं क्या बोल रहा था कि हाँ उसमें मीट बॉल सुखाने के लिए जगह बन जाती है और रहती भी है, तो इसी कारण से मैं सोच रहा हूँ कि बेटर है घर बना लो, अलग से कुछ बनाने से अच्छा है, अलग से कुछ फार्म बनाने से अच्छा है वो बना लो। क्योंकि जो अपना कस्टमाइजेशन जो फार्म होगा, जो बेसिकली मीट बॉल फैक्ट्री बोलते जिसको फार्म नहीं बोलते फैक्ट्री बोलते, तो वो मैं अलग से पूरा का पूरा डिजाइन करने का सोच रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स बनाने का सोच रहा हूँ। और उसका प्लानिंग मेरा बहुत ही अलग है इस बार, जो लास्ट आपने देखा होगा रैंच उसमें जैसा मैंने बनाया था मैं वैसा नहीं बनाऊंगा इस बार, बहुत ही डिफर करने वाला, बहुत ज्यादा डिफरेंस करने वाला हूँ। यार इसका तेल तो खत्म ही नहीं हुआ यार, चलो एक काम करते इसको यहाँ रख देता हूँ, अभी तेल इसने ज्यादा जनरेट भी नहीं किया, मेरे को जितना तेल चाहिए उतना हो चुका है। अब फटाफट चलते, कॉन्क्रीट 80 चाहिए और आई थिंक सो 15 कुछ चाहिए होगा मेटल, मैं एक बार देख लूंगा फिर भी जाके, क्योंकि अपन गलत वलत नहीं ले जाएंगे। चलो भाई हम लोग आ चुके हार्डवेयर स्टोर, देख रहे हो इसको बोलते ग्लिच, इसको बोलते भाई महा गिलीच। अब ये करूंगा और ये बाहर निकल जाएगी गाड़ी, नहीं निकली, बच गया भाई, मेरे को बाहर निकल जाएगी। एनीवेज फटाफट चलते हैं, अब मेरे को चाहिए कंक्रीट और मेटल, उससे पहले मैं एक चीज देख लेता हूँ कि इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए रहेगा। 80 कंक्रीट और 15 मेटल, तो मैंने 3 कंक्रीट डाल चुका हो तो लोड नहीं है, तो फटाफट से अपन एक काम करते हैं 80 कंक्रीट बाई करते हैं, कंक्रीट 10 और 10 20 इतना मेटल प्लेट मेरा काम हो जाएगा। चलो गाइस ऑलराइट तो लगभग अपना जो शॉपिंग करना था वो हो चुका है, $600 के ऊपर ने शॉपिंग की है। और फटाफट से गाड़ी में इन सबको रख देते हैं और सीधे चलते हैं घर और अपने घर को रेडी करते हैं। फाइनली आज हमारा घर बनने वाला है। 5 का इधर, 50 का बोरी, 50 का बोरी तो हमेशा से बड़ा ही दिखता भाई, कूदता क्यों नहीं भाई, पहले कितना अच्छा कूदता था भाई ये। चलो एनीवेज इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, स्टैक हो जाएगा ना अच्छा खासा, हाँ हो जाएगा।
यार मेरे को तब है ना ऐसा लग रहा है जब मेरे पास $10,000 है तो why not to buy a car, बढ़िया सी कार खरीदी जाए, बढ़िया से ट्रॉलर खरीदा जाए, गड्डी मोड़ांगे वैसा टाइप का। चलो गाइस फाइनली हो चुका है एंड मैं थोड़ा सा मेटल को ऐसा रख देता हूँ, यस बहुत बढ़िया, एंड इसको भी यहाँ रख देते हैं। ऑलराइट गाइस अपना लगभग काम हो चुका है, अब सीधे चलते हैं अपने रैंच में एंड इसको रेडी करते हैं क्योंकि अभी 14:30 हो रहा है और रात होने में काफी समय है, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ अपनी चीजें को रेडी कर लेते हैं। जो पिग मीट रखा हुआ है ना उसका प्राइस चेक ही नहीं किया भाई, रुक जाओ दो मिनट दो इसको एक बार चेक करते हैं, प्राइस अच्छा मिला तो सेल आउट कर देता हूं। रोस्टर मेड ब्लू मोल्ड चीज 2x से बिक रहा है, समझ लो ब्लू मोल्ड चीज में भी क्या प्राइस मिल रहा है भाई। रोस्टर मेड बीफ नहीं भाई अभी बेच नहीं सकता यार, मैंने जबरदस्ती एक दिन मिस कर दिया, आके चेक कर लेना। चलो गाइस अभी तो रहने दो, अभी चलते घर की ओर, इसको यही पड़े रहने दो, जब प्राइस आएगा तभी बेचूंगा भाई, मैं नुकसान करके नहीं बेचूंगा। मेरे को एटलीस्ट $60 या $45 तो चाहिए ही चाहिए पर पीस के। इधर चलते अब घर, और घर को रेडी करते गाइस, घर को नेक्स्ट एपिसोड में अपन लेकर आएंगे कुछ काओ, और कुछ अच्छा तगड़ा प्लान किया मैंने नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में भी जरूर आना, ये एपिसोड देख रहे हो यहां तक देख लिया है तो नेक्स्ट एपिसोड में भी जरूर आना। ऑलराइट गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर को, अब रेडी करने का समय आ चुका है, अब हमारा पहला घर आने वाला है, बनने वाला है। ओके 50 इसको उठाते इसके अंदर, भाई मैंने बहुत हिसाब से करा है भाई, बहुत हिसाब से पिसाब किया है बहुत ही हिसाब से पिसाब किया। चलो एनीवे 65 and 80, चलो कंक्रीट का काम हो चुका है, मेटल एक और एक पत्ती और डालेंगे और अपना घर रेडी। ओ भाई साहब गाइस हमारा घर रेडी हो चुका है, ये है हमारा नया घर, और वैसे मौसम भी खराब हो गया भाई, खुश नहीं बताओ, मौसम भी खुश नहीं है हमसे, बट एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यार मैं सोच रहा हूँ ना ये मेरे पास कितने मेटल पीसेस पड़े, 8 पड़े ना, एक लाइट लगा दूँ क्या, बेचारी गाय अकेली पड़ी रहती है और ऊपर से लाइट भी नहीं है भाई, बड़ा दुख होता देख के, एक लाइट तो बनता है इसके लिए भी। ले भाई तू आराम से रहे, और इसके लिए क्या लगने वाला है, 4 मेटल, ओ भाई 8 मेटल ले भाई। ऑलराइट गाय तेरे लिए लाइट हो गई है, पिग वाला एरिया तो सही है मेरे पास। भाई खाना खत्म होते जा रहा भाई, मैं क्या करूं भाई, फीडर बनाना है, फीडर के लिए देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं सोच रहा हूं ना ये वाला एरिया मैं तोड़ देता हूं एंड पिग वाला एरिया मैं यहीं से कनेक्ट करने का सोच रहा हूं, मतलब थोड़ा प्लान आउट वैसा चल रहा है मेरा, तो उसके लिए पहले तो बांध बनाना पड़ेगा ठीक है, उसके बाद मैं पिग्स को ले जा सकता हूं, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। एंड गाय का खाना प्रॉपर है, पानी भी प्रॉपर है। सो गाइस आज के एपिसोड में बस इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना फटाफट से कर दो, आई नो तुम लोग कर दोगे, और ऐसी सीरीज पसंद आ रही है रैंच की तो प्लीज एक बार चैनल को चेकआउट करना, ये सीरीज 2 चल रही है, क्योंकि रैंच का जो पहला जो रैंच था वो अलग ग्राफिक्स में था, और ये रैंच सीजन 2 बोल सकते हो जो कि अलग डिजाइन में, और तुमको घर अंदर से दिखा भी देता हूं, और यहां पे जो लाइट्स है ना इसको चालू नहीं कर सकते हैं, चालू नहीं कर सकते ऐसा क्यों। चलो एनीवेज मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय, ये मैं देखता हूं क्या चीज है, मैं भूल गया इसका कैसे कह रहा था, बाय बाय।